सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका पीसीएन भारत में। अभी तक आपने देखा होगा कि नई नवेली दुल्हन शादी के पहले या फिर शादी के बाद जब विदाई होती है उसके बाद वोट दे अगर होता है तो वोट देने जाती है, परीक्षार्थी वोट देने जाता है। लेकिन आज पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक शवयात्रा रोक करके यहाँ पर वोट डालने का काम किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात, इतिहास में शायद ये दर्ज हो जाएगा। और ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोगों का ये जो उत्साह है, मतदान का उत्साह, ये जिगना ग्राम सभा, आपको बताते हैं मिर्जापुर जनपद लोकसभा मिर्जापुर 79 का ये 96 विकास खंड का जिगना गांव है जहां पर ये कार्य किया जा रहा है। यहां पर शवयात्रा लोग कर पहले मतदान कर रहे हैं, फिर शवयात्रा लेके आगे बढ़ेंगे। यहां पर कुछ हम परिजन मौजूद हैं उनके घर के, हम उनसे जानकारी लेंगे। जी क्या नाम है सर आपका? जी कौन थे सर आपके? हमारे बड़े भाई। जी सर, शवयात्रा आप लोग रोक के मतदान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या क्या कहना चाहेंगे? मतदान आदमी तो आता है जाता है, मतदान तो सब जी है, इससे राष्ट्र का निर्माण होगा, इसलिए जरूरी है उसको राजनीति जी। तो आम जनता को भी कुछ मैसेज देना चाहेंगे, मतलब बहुत ही मतलब ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं आप लोग। पहले मतदान करें, बाद में अन्य काम। जिगना गांव है हमारे चाचा श्री राणा प्रताप सिंह का, आज सुबह 6 बजे स्वर्गवास हो गया है। तो हम लोग सब बॉडी को ले जा रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन बीच में रोक करके हम लोग मतदान करके तब जा रहे हैं। लोकतंत्र का पर्व है, इसको निभाते हुए अगला कार्यक्रम हम लोग करेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे ग्राम सभा में राणा प्रताप सिंह का 6 बजे मृत्यु हो गया, लेकिन गाँव वालों ने यह शव यात्रा को रोक करके उन्होंने कहा कि राष्ट्र के निर्माण के लिए पहले मतदान करेंगे, उसके बाद में मोदी के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये काम किया जा रहा है, और ये देखिए कुछ लोग जा भी रहे हैं वोटिंग करने के लिए। बहुत बड़ी बात है अपने आप में, शव यात्रा रोक करके यहाँ पर मतदान किया जा रहा है, पहली बार ऐसा देखने को मिला है। बने रहिए पीसीएन भारत पर, आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे।